बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अलकबीर का चिकन कोफ्ता बनाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोज़ को फ़ौरन देख सकें। अलकबीर की इसके अलावा भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े मज़े की होती हैं। इसका चिकन कोफ्ता भी बहुत मज़े का है, बहुत इसका डिफरेंट टेस्ट है। आप इसे जो है ज़रूर एक बार ट्राई करें। अच्छा, ये जो है ये ऐसी रेसिपी समझ लें कि अगर आपके मेहमान अचानक आ जाएं तो आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अभी कुकिंग में बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल अभी उन्हें पकाना नहीं आता, तो वो भी जो है इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जो है मैं इसके लिए जो रेसिपी आपको बता रही हूँ इसी ग्रेवी के लिए, तो वो आप जो है वो अगर घर में भी आप कोफ्ते बनाएं तो यही रेसिपी उस पर भी अप्लाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपने कोफ्ते भी घर में बनाने हैं तो मेरी वीडियोज़ में आप जो है वो होममेड कोफ्ते की रेसिपी भी देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको जो है वो अलकबीर का चिकन कोफ्ता आपके एरिया में अवेलेबल ना हो तो केनन्स का भी है, इसके अलावा भी और जो दूसरी कंपनीज हैं या जो आपकी फेवरेट कंपनी है आप उस कंपनी का जो है वो कोफ्ते ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का यहाँ पर मकसद ये कि जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ रेसिपी सेम सब पर यही अप्लाई होगी। अच्छा, सबसे पहले हमने ये काम ये करना है कि हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है उसे गर्म करना, क्योंकि जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमारे पास ये जो कोफ्ते मौजूद हैं अलकबीर के हम इसे जो है फ्राई कर लेंगे। बेसिकली इसके पैकेट में जो है तकरीबन 11 से 12 निकलते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर फिलहाल मुझे 8 ही बनाना है तो फिर मैंने यहाँ पर 8 निकाल लिए। और बाकी आप जो है उसको दोबारा वो एक थोड़ा सा जो है वो काफ़ी अच्छी पन्नी में एयरटाइट टाइप की जो है उसकी पन्नी होती है, आप उसको दोबारा उसी तरह पैक करके डब्बे में रख के दोबारा भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कोई कोफ्ते डाल लिए और हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे। अगर एक तरफ से हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चेंज करके इसकी साइड बदल ली है। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए और इसको बस हल्की आंच पे जो है हमने फ्राई करना, जब एक तरफ से हो जाए दूसरी साइड चेंज कर करके मैंने यहाँ पर अपने कोफ्ते फ्राई कर लिए। मैंने बेसिकली नॉन स्टिक फ्राई पैन में इसको फ्राई किया था, बाकी जो ऑयल बचा था वो मैंने तकरीबन दो सालन के चमचे जो मेरे पास सालन का चमचा मौजूद है मैंने वही ऑयल जो है फ्राई पैन में नॉन स्टिक अपने पैन में डाल के इन्हें फ्राई किया था। तो जो मेरे पास अब जो ऑयल बचा था पैन में उसे मैंने जो है इस अपनी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया। इस पॉइंट पर मैं मज़ीद अभी ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। हमारे फ्राई हो चुके हैं तो हम उसे ढक के साइड पर रख देंगे और हम अपनी ग्रेवी के जो हम अपना मसाला बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज मौजूद थी जिसे मैंने इस तरह स्लाइसर से बारीक काट लिया। अगर आपके पास जो है बड़ी साइज़ ना हो तो आप दो नॉर्मल साइज़ की प्याज लेके उन्हें बारीक काट लें। इसके अलावा एक टमाटर और एक छोटी प्याज, अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो उसका आधा कर लें आप। तो इस तरह मैंने जो है यहाँ पर एक छोटा टमाटर और एक छोटी प्याज को जो है वो दूसरे ब्लेंडर में चला के इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। एक खाने का चमचा भर के मेरे पास यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक प्याली जो है मैंने दही यहाँ पर लिया है। दो नॉर्मल साइज की मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च मौजूद है। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पर एक खाने का चमचा भर के मैंने पिसी भी लाल मिर्च ली है। आधा खाने का चमचा मेरे पास नमक है। आधा ही खाने का चमचा मेरे पास भुना कुटा जीरा मौजूद है। और जो है एक खाने का चमचा भर के मेरे पास यहाँ पर काजू का पाउडर मौजूद है। और उसको सिंपल बनाने का तरीका ये है कि अगर आपके पास पाउडर शेप में आपने मार्केट से नहीं लिया है तो आप सिंपली इसको जो है वो थोड़े से काजू जो है अपने चॉपर में पीस के इस तरीके से इसका पाउडर बना सकते हैं। आधा खाने का चमचा मेरे पास यहाँ पर जो है पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर हल्दी मौजूद है, यानी टर्मरिक पाउडर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास 3-4 काली मिर्च है, 2-3 लौंगे, 2-3 इलायची और जो है वो दालचीनी के 2-3 टुकड़े मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने पतीले का चूल्हा जलाएंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें लौंगे, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। देन मैंने यहाँ पर जो है प्याज ऐड करी, अब मैं अपनी प्याज को ब्राउन कर लूँगी। आप देख सकते हैं प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट में प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक हम भूनेंगे। देन हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद मेरे पास जितनी भी स्पाइसेस थे जिसमें नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, काजू का पाउडर है,
भुना कुटा जीरा है, टर्मेरिक है, सब भी हम ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक दही के साथ इन मसालों को पकने देंगे। 2 मिनट तक मैंने यहाँ को दही को मसालों के साथ पकने भी दिया, वक्त वक्त से चमचा भी चलाया ताकि मसाला हमारा लगे ना। देन अब हम यहाँ पर जो टमाटर और प्याज का पेस्ट था वो ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। देख सकते हैं मसाले में हमारी खौलना शुरू हो गई। हम अपने मसाले का चूल्हा मीडियम पे करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, और वक्त वक्त से इसमें जो है मतलब चमचा भी चलाएंगे ताकि हमारा मसाला बिल्कुल लगे ना। इस तरह हल्की आंच पे पकाने से फ़ायदा ये होगा कि जो प्याज का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो उस टाइम पर हमारी अब हम जो मज़ीद भुनाई करेंगे तो मसाले की लुक बिल्कुल सामने ज़बरदस्त सी आएगी। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा इस टाइम बिल्कुल भुनाई पर आ गया। अब हम इस पॉइंट पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करी, तो आप भुनाई करने के बाद इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 कप भर के मैंने इधर पानी ऐड किया है। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो आप तकरीबन 2.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। मुझे जो इसकी नॉर्मल ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसके लिए यहाँ पर जो है 2 कप पानी ऐड किया। इसके बाद जो मैंने बस यहाँ पर हरी मिर्च मौजूद थी मैं वो ऐड करूँगी। जब हमारे जो पानी हमने ऐड किया तो हमारे मसाले में जब खोल आना शुरू होगी तो हम इसका चूल्हा हल्का करेंगे। चूल्हा हल्का करने के बाद जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे हम वो ऐड कर देंगे। मैंने सारे अपने कोफ्ते ऐड कर दिए। अब मैं जो है इसको मैं इसको कवर करूँगी और इतनी ही हल्की आंच पे, जो हमारी इतनी हल्की आंच है इस पे तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए हम कोफ्तों को जो है इस ग्रेवी में पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद मैंने जब इसका चूल्हा बंद किया तो उसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है बहुत अच्छे से, और आप ये इसकी ग्रेवी देखें, बिल्कुल इसकी ग्रेवी इस तरीके से बनी है जिस तरह आप जो है अगर बाहर खाते हैं कोफ्ते कभी, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की इसकी ग्रेवी बनी है। अब इस पॉइंट पर हम आधा खाने का चम्मच ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो करें और ना चाहें तो ना करें। हरा धनिया की पत्तियाँ डाल देंगे। यूँ इस तरह से हमारा मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता का सालन बिल्कुल रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक ऐसा सालन है कि अचानक अगर आपके गेस्ट आ जाते हैं तो आप झटपट बना सकते हैं, या जो ख़वातीन या मर्द हसरात हॉस्टल में रह रहे हैं वो भी इसे जो है ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये खाने में बहुत मज़े के हैं, दूसरी बात ये कि इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।